अपॉलोजाइज करेगा जिन्हें साथियों से टाइम नहीं दे सके। बड़े लोग ऐसे सारे खुशवंत हो गए बैठे थे सारे और दीगर साथी जेरे सारे जेरे सारे युवा नेता बैठे ना सारे कायद जेरे ना सारे रोजगार पैदा कर दिया उस तो बाद टैक्स बढ़ा दिया मगर इन लोगों ने रोजगार को दूर रखा और साडे ऊपर टैक्स थोप दी गई और कदे दुध देने पर भी टैक्स लगाया इन लोगों ने साडे दुध देने पर भी टैक्स लाए। आज वक्त आ गया मैं सारे क्योंकि इतने प्रेजर साहब बैठे थे गलां ते बड़िया मगर उन्होंने टाइम मैं जाया नहीं करना चाहता। मैं सारे के चरणों ये बेनती करना कि 26 तरीक नूं होर भी जिते अपने रिश्तेदारी भाईचारा है सारे लोग कहो कि कांग्रेस पंजे के निशान से मोहर ला के असी जिहड़ा पर साडा 10 साल जुर्म किया जुगल किशोर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी ने असी उतू छुटकारा पाइए। एक ही है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब ने सानू एक पावर दी दी है कि किसी भी सरकार को तुसी चेंज करना तो अपने वोटों के जरिए चेंज कर सकते हो क्योंकि सरदार सरकार हमेशा तकड़शाही करके गरीबों को और मजदूरों को किसानों को नौजवानों को अपने तकड़शाही नाल कुचलना चाहती है। जम्मू कश्मीर की मुझे बताओ ये लोग आप पे आते हैं और पूछो इनसे कि किस बेस से आप वोट मांग रहे हो सर बताओ यार स्टेज पे चढ़ के जुगल किशोर इसी स्टेज पे मुझे बताएं भाषण देंगे बताएं कि उसने आप लोगों के लिए क्या क्या किया बताएं ना यहाँ स्टेज पे आके बताएं। मैं भी विड्रा अपना कंडेट करके उसी को वोट डलवाते और यहाँ के आके लास्ट में 10 साल के बाद मोदी जी फोटो मोदी जी अरे क्या करे मोदी जी क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को 5 साल के तुम ऐश करते रहोगे दिल्ली में बैठे रहोगे कोठियों में ऐश करोगे अपना बिजनेस बढ़ाओगे अपने बच्चों को लगाओगे अपने खानदान को बढ़ाओगे 5 साल के बाद मोदी जी का फोटो बर्बाद कर दिए लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं बचाया। अभी भी सुधर जाओ आने वाली नस्ल की तरफ देखो उनका फ्यूचर सोचो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे जम्मू कश्मीर वालों बर्बाद हो जाओगे खुदा गवाह है मुझे चाहे वो सरदार हो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो गुजर हो पहाड़ी हो सबके लिए तलवार जो चली है सब पे बजेगी सबके गले कटेंगे इसलिए सुधर जाओ इन लोगों को इक्तदार से बाहर फेंक दो उन लोगों को लाओ जो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। रमन भल्ला को देखो सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे लोगों के लिए खड़ा है। कोरोना था भीख मांगी जेब से पैसे डाले घर घर सब्जी लेके गया घर घर आटा लेके गया घर घर चावल लेके गया लोगों के पास पहुंचा सुबह शाम पहुंचा और आपका पार्लियामेंट मेंबर कोरोना में दरबदर कह रहा है ये वेंटिलेटर खराब है